दोस्तों आज हम बात करेंगे ईआर डायग्राम्स की, ईआर मॉडल्स की। पूरा फुल डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। डेटाबेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, डीबीएमएस में। ठीक है, ईआर मॉडल हो गया, ईआर डायग्राम हो गया, रिलेशनशिप हो गई, सारी चीज़ें हम समझेंगे। चलिए पहले देखते हैं ईआर मॉडल्स क्या होता है। ईआर मॉडल जो वर्ड है उसका फुल फॉर्म है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, इसको हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। डिस्क्राइब एंड डिज़ाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। कोई भी डेटाबेस जब हम बनाते हैं, पहले उसका हम लोग क्या करते हैं, मैप बनाते हैं ना। जैसे कोई अगर ऐप बनाएगा तो वो बताएगा मेरे, जैसे अब कोई बुक माई शो बनी रहेगी तो मूवी की टिकट होगी, प्लेन की टिकट होगी, ऐसे बहुत सारे कैटेगरी होगी। ऐसे वहाँ पर उन्होंने पूरा ट्री डायग्राम बनाया होगा, तो वैसे ही सेम है ईआर डायग्राम भी। तो द ग्राफिकल रिप बट ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, ओके, कॉल्ड एज अ ई आर डाइग्राम एंड द मॉडल थ्रू विच वी डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ई आर मॉडल होगा। समझ आ रहा है? अब ई आर डाइग्राम में क्या होता है, लॉजिकल स्ट्रक्चर, जो भी टेबल होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, उसको हम ग्रुप कर देंगे तो बन जाएगा रिलेशनशिप। इसमें कितने तरह की रिलेशनशिप होती है, वन टू वन हो सकता है, वन टू मैनी हो सकता है, मैनी टू मैनी हो सकता है, मैनी टू वन हो सकता है। इसके हम अभी एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले थोड़े बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों कुछ ग्राफिकल सिंबल्स की बात कर लेते हैं। कोई भी जो एंटिटी होगी उसको हम लोग रेक्टेंगल से दिखाएंगे। ठीक है, मतलब मेन जो ऑर्गेनाइजेशन का होगा एंटिटी, वो उसका। फिर उसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे स्कूल हो गया, स्कूल का डेटाबेस है, उसमें टीचर होंगे, स्टूडेंट होगा, प्यून होगा, स्टाफ होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगे, तो उसको एट्रीब्यूट मान के चलेंगे, उसको इक्लिप्स के द्वारा दिखाएंगे। ठीक है, अब अगर उनके बीच कुछ रिलेशनशिप बनता है, जैसे स्टूडेंट का रिलेशनशिप होगा किसी के साथ, टीचर के साथ, तो हम लोग ऐसे डायमंड शेप से दिखाएंगे। फिर एक और इक्लिप्स बनेगा प्राइमरी की, जब कोई भी चीज़ प्राइमरी होगी, जैसे आईडी होता है, रोल नंबर, ये सब प्राइमरी हो जाती हैं। ठीक है, तो उसको अंडरलाइन से दिखाएंगे। अगर कोई भी एंटिटी वीक होगी, जैसे मेरे को दिखाना है कोई यूजफुल नहीं है ज़्यादा उस सिस्टम में, तो उसको डबल रेक्टेंगल से बनाएंगे। ठीक है, फिर अगर कोई रिलेशनशिप वीक होगा, मतलब जैसे मैं माँ काम के नहीं होगा, फूआ के मामा का, ऐसा कुछ है, तो हम क्या करेंगे, उसको डबल डायमंड से दिखाएंगे। फिर अगर कोई ज़्यादा वैल्यू है, देखो एट्रीब्यूट के अलग अलग टाइप हैं, एक नॉर्मल इक्लिप्स से हो गया, फिर प्राइमरी की होगा तो उसको अंडरलाइन करके दिखाएंगे। मल्टीपल वैल्यूज, जैसे किसी एक चीज़ का, जैसे आपका मोबाइल नंबर मल्टीपल वैल्यूज हो सकता है, दो तीन नंबर हो सकता है, तो उसको हम लोग डबल इक्लिप्स से दिखाएंगे। फिर अगर एक की दो तीन वैल्यू से उसको एक में दिखाना है, एक वैल्यू को सेपरेट करवाना है, तो कंपोजिट एट्रीब्यूट हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये सारी सिंबल्स हो गए। अब ये कुछ हमारे रूल्स भी हैं, उसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे। दोस्तों रूल तो यही है, बहुत सारा सिंपल है, कि आपको पहले मेन ऑर्गेनाइजेशन का क्या है उसको फाइंड आउट करो, रिलेशनशिप क्या है वो फाइंड आउट करो। ठीक है, एट्रीब्यूट क्या है वो फाइंड आउट करो। एट्रीब्यूट होगा जिसके पास मल्टीपल वैल्यूज होगी, जैसे कोर्स है, तो यहाँ पर देखो हमें स्कूल में क्या होगा, कुछ ऑफर चालू होगा, फिर उसके कुछ हेड होंगे, तो हेड क्या करेगा, सब टीचर को कोऑर्डिनेट करेगा। कोर्स और टीचर के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, टीच कैसे करते हैं, राइट, कौन क्या टीच करता है, ये होगा। यहाँ इसमें कोर्स का नाम होगा, कोर्स की आईडी होगी, कोर्स की ड्यूरेशन होगी, सारी चीज़ें होंगी। यहाँ टीचर का नाम, टीचर का आईडी, टीचर का डिपार्टमेंट, अलग अलग ऐसे होगा। सेम वैसे यहाँ पर हम लोग स्कूल का एड्रेस होगा, स्कूल की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो एक सिंपल सा हमने डायग्राम बना लिया, ऐसे आप गूगल पे सर्च कर लोगे हज़ारों ईआर डायग्राम आपको मिल जाएंगे। एटलीस्ट आपको बेसिक तो अभी समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी तरह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।